दोस्तों, क्या आपको भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? क्या आपके घुटने में भी दर्द रहता है? क्या आपके घुटने में भी स्वेलिंग है? जब आप सोकर उठते हैं तो चलने में दिक्कत होता है, दर्द होता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दर्द होता है, उतरने में दिक्कत होता है। बहुत देर तक खड़ा रहते हैं तो दर्द का महसूस करते हैं। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज तक आपने तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि हाँ, आपको एक्सरसाइज करना है। नो डाउट, अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एकमात्र उपाय है कि हम एक्सरसाइज करें। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो चीज लॉस हो गई है, जैसे कि कार्टिलेज, आप आम भाषा में इसको ग्रीस भी कह सकते हैं, जो हमारे घुटनों के बीच होती है। अक्सर ये हरेक जोड़ के बीच में कार्टिलेज होता है, और हमारे घुटने में जब प्रॉब्लम होती है, जब हम एक्सरे करवाते हैं, जब हम MRI कराते हैं, तो मालूम चलता है कि हमारे घुटने के बीच में गैप की कमी हो गई है। वहां पर जो ग्रीस होता है, यानी कि कार्टिलेज होता है, वह भी लॉस हुआ है, कम हो गया है। बहुत सारे केस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किसी का Grade 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी का Grade 2, Grade 3, Grade 4। चारों व्यक्ति के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आपका कार्टिलेज यानी कि ग्रीस कैसे बन सकता है। दोस्तों, अगर हमारे घुटने में गैप की कमी हो गई है, तब तो आपको एक्सरसाइज करना मस्ट होता है। लेकिन हमारा घुटने में गैप की कमी हो गई है, साथ में अगर कार्टिलेज, अगर MRI कराए हैं, तो आपको पता चला होगा कि आपका कार्टिलेज भी कम हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए बहुत सारे चीजों को खाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में या फिर पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप कैसे, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो कैसे अपने शरीर में कार्टिलेज का रीजेनरेशन कर सकते हैं। और बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो है, आप हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, कौन सा स्टेज में है। तो और ये सारी एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपके घुटने के बीच का जो गैप है वह तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर कार्टिलेज की कमी हो गई है तो आपको खाने पीने के चीजों के साथ साथ, बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो कि यह बताए थे कि सर कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताइए ताकि हम उस चीज को परचेज करके और खा सकें और अपने शरीर में कार्टिलेज की रीजेनरेशन कर सकें। दोस्तों, कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए Omega-3 फैटी एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं Omega-3 फैटी एसिड का मुख्य सोर्स जो है उसके बारे में बताएंगे, और अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो नो डाउट आप अपने घर बैठे ही कार्टिलेज को रीजेनरेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं तो आप बाजार से ही मंगाकर उस चीज को खा सकते हैं, परचेज करके भी खा सकते हैं, तो आपके शरीर में कार्टिलेज की कमी जो हो रही थी वह भी पूरा होने लगेगा। दोस्तों, Omega-3 फैटी एसिड तो खाने पीने के चीजों में हमारा आलमंड हो गया, जिसमें कि बहुत ही अच्छा खासा मात्रा में Omega-3 फैटी एसिड मिलता है। अगर मामरा आलमंड है, यानी कि मामरा बादाम है, तो वह और भी ज्यादा है फायदेमंद। दूसरा हो गया अखरोट, अखरोट में भी अच्छा खासा मात्रा में आपका Omega-3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसका भी इस्तेमाल करके आप खा सकते हैं। और तीसरा हो गया चिया सीड्स के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी बना के रखा है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया कि क्या चीज होता है। सिंपल सी बात है, चिया सीड्स आप बाजार से ले सकते हैं, बाजार में अवेलेबल है, 600-700 रुपए केजी के हिसाब से आता है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वह एक चम्मच आप यूज करते हैं तो मुश्किल से 8-10 रुपया में आपका काम हो जाता है, तो चिया सीड्स भी खा सकते हैं। चौथा जो चीज है वह है अलसी, मैंने अलसी का भी जिक्र किया है पिछले के वीडियो में, तो अलसी भी 100 रुपए के आसपास 1 KG मिलता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हमारे नेचुरल सोर्स से जितने भी चीजें हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, वह सभी चीजें में Omega-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें कितना खाना चाहिए। दोस्तों, बॉडी वेट आपका जितना है उसके हिसाब से आपको उस मात्रा को लेना चाहिए। अब अगर हमारा बॉडी वेट 60 KG, 80 KG, 100 KG से ऊपर है, तो हम अपने बॉडी वेट के अनुसार देखेंगे। मैं एक मात्रा बता दे रहा हूं ताकि आप उसका सही उपयोग कर सकें। आप अगर अलसी का उपयोग करते हैं तो आप 1.5-2 चम्मच
भुना हुआ अलसी, भुना हुआ अलसी इन द सेंस कि थोड़ा सा रोस्ट कर लें, आप अलसी को बाजार से अलसी लाएं और उसे तवा पे थोड़ा सा कम आंच पे इसे रोस्ट कर लें, भून लें, उसको पीस लें, ग्राइंड कर लें, उसे पीस करके एक पाउडर बना लें और उस पाउडर को आप सुबह उठ करके नाश्ता के पहले आप खा सकते हैं, उससे भी आपका रीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा आपका कार्टिलेज। दोस्तों दूसरा जो चीज है वह है चिया सीड्स। चिया सीड्स को भी रात भर हम फूलने के लिए दे देंगे, सुबह पर जब उठेंगे तो हम अपने हिसाब से उसे चबा चबा करके खा लेंगे, तो हमारे शरीर में यानी कि हमारे घुटने में जो कार्टिलेज की कमी हो गई थी वह भी पूरा होने लगेगा। तीसरा चीज जो सबसे पहले मैंने बताया है कि आपका मामरा बादाम या फिर कैलिफोर्निया बादाम भी आप ले सकते हैं या अखरोट ले सकते हैं। तो अखरोट और बादाम भी अगर आप यूज करते हैं तो उसे भी रात भर फूलने के लिए दे दें और सुबह पर अगर आप उसे खा लेते हैं तो आपके घुटने में कार्टिलेज का जो कमी हो रहा था वह पूरा होने लगेगा। लेकिन वैसे लोग जो इन चीजों को नहीं उपयोग कर सकते, बाजार से नहीं मंगा सकते हैं, उसको कैसे खाना है नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनके लिए एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं ताकि वह अपने घुटने के दर्द में उसका उपयोग करके और उसका 100% लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम है सालमन ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों सबसे ज्यादा जो नेचुरल सोर्स से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड है वह है मछली का तेल, वह मछली का नाम है सालमन। और सालमन मछली का जो तेल होता है वह 100% प्योर होता है कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए। तो हमें उसका तेल बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है, आप सालमन ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से बहुत सारे कैप्सूल अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें भी वह सालमन ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं आप जाकर देख लेंगे, वह कंपनी वर्ल्ड फेम कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और उनके प्रोडक्ट 100% प्योर होते हैं, इसलिए मैंने उस प्रोडक्ट का आज बताना चाहा आपको ताकि आप सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें और अपने जीवन में जो कष्ट है उसको दूर कर सकें। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कैप्सूल्स के रूप में पाए जाएंगे, जो आप अगर परचेज करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, तो वह कैप्सूल सुबह और रात यानी कि सुबह पहर नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल ले लेंगे और रात में भी आपको खाने के बाद एक कैप्सूल ले लेना है। अगर सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप ले लेते हैं तो आप 100% आप अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजेनरेट कर सकेंगे। दोस्तों वैसे घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करना मस्ट है, नो डाउट। आपके घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो गई है उसको बढ़ाने के लिए हमको एक्सरसाइज तो करना मस्ट है। ये कभी नहीं समझिएगा कि हम खाने पीने को चीजों को देकर ले करके और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कार्टिलेज तो रीजेनरेट हो जाएगा। कुछ दिन के लिए आपको वह राहत दे देगी, थोड़ा दिन के लिए आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कार्टिलेज धीरे धीरे, चूंकि आप एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो फिर से वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है और आप अपना घुटने का ओवर यूज कर रहे हैं तो कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं जिस कारण वह फिर से दर्द होना शुरू करेगा। इसलिए मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगा कि पहले आप एक्सरसाइज करें। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि हाँ आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इट मीन्स आपको ग्रेड 4 है। अगर ऑपरेशन प्रिस्क्राइब किया है तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को भी डॉक्टर ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। जनरली हमारे शरीर में दो चीज की कमी हुई है, पहला तो गैप की कमी हुई है और दूसरा कार्टिलेज की कमी हुई है। तीसरा जो होता है कि जब हमारे घुटने में दर्द ज्यादा होने लगता है तो हम उसका उपयोग भी कम कर सकेंगे क्योंकि वह दर्द और बढ़ता है। तो अगर घुटने का उपयोग कम हम कर रहे हैं तो वहां पर के जो मसल्स हैं, वहां पर के जो टिश्यू हैं, वह भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जनरली जो डैमेज होता है टिश्यू, वह टिश्यू जो कहलाता है वह कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। वहां पर घुटने के पास जो टिश्यू होता है जो एक दूसरे को ज्वाइन करके रखता है, लिगामेंट तो होता है 4 जो कि लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों तरफ से होता है लिगामेंट,
और बीच में दो होता है ACL और PCL, मेडियल लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट, ACL और PCL, ये चारों लिगामेंट से ही कनेक्टेड रहता है। लेकिन इसके अलावे और भी टिश्यू होते हैं जो बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम वह डैमेज अगर हुआ है तो उसको भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड से ठीक कर सकते हैं, उसमें मजबूती ला सकते हैं। यह जब आप खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो 100% नो डाउट आप अपने घुटने को घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। वैसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज के बारे में बताना संभव नहीं होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं निष्कर्ष में यही बता सकता हूं कि आप अगर घुटने के दर्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज तो करें ही डेली बेसिस पे। जनरली मैंने देखा है कि मेरे वीडियो पे बहुत सारे एक्सरसाइज बताए हुए हैं, उसको लोग बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा चीज नहीं करना है इसको बहुत कम लोगों ने देखा है और बहुत कम लोगों ने समझा है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस चीज को जरूरी है कि आप उस चीज को ही फॉलो करें जो हमको अवॉइड करना है, यानी कि जिस चीज को नहीं करना है। तो उसके लिए भी वीडियो है, 7 स्टेप ऐसा है जिसको हमको अवॉइड करना है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। 4 स्टेप भी है जिसमें इंक्लूड है, तो उस वीडियो को भी देख लें। एक बार अगर आप 100% ये सारी चीजों को समझ सकेंगे, समझ लेते हैं, तो आप 100% अपने घुटने के दर्द को घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। सिंपल सी बात है, हमें एक्सरसाइज करके गैप को बढ़ाना है। दूसरी बात, क्या चीज हमें अवॉइड करना है वो चीज को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तीसरा चीज, कार्टिलेज को रीजनरेशन के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से आप परचेज कर लेंगे, सुबह शाम खा लेंगे तो वो 100% आपका कार्टिलेज बन जाएगा। चौथा चीज जो है वह है कनेक्टिव टिश्यू को हमको बचा के रखना है, उसमें मजबूती करना है। तो एक्सरसाइज अगर करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर खाते हैं और उस चीज को नहीं करते हैं जो चीज अवॉइड किया गया है, तो 100% आप अपने घुटने के दर्द को घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वैसे लोगों को जिनको भी घुटने का प्रॉब्लम है और आपके नजदीकी हैं, आप शेयर करके इस पुण्य कार्य का भागीदार आप भी बन सकते हैं। और नो डाउट मैंने भी यह ठान रखा है कि कम से कम 1 लाख लोगों का घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाने दें, ऐसा मेरा मोटो है, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो इसमें आप भी सहयोग करें और अपने घुटने को घर बैठ के आप एक अच्छा स्टोरी क्रिएट करें कि हाँ, मुझे भी घुटने में दर्द था, हमने घर बैठे ही इसे ठीक किया। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप अगर रिपोर्ट, MRI या किसी भी तरह का कंसल्टेंसी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।